अगला वनडे सीरीज जीतने के बाद तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होंगी चार बड़ी तब्दीलियां। पहले दो वनडे मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद अब तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चार नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन सी तब्दीलियां होंगी, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। दोस्तों आपको तफसील से आगाह करते चले, आप साहब जानते भी हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम का ली, जहां पर पहले दोनों वनडे मैचों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल करके सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों आप दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 26 अगस्त को खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चार बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। दोस्तों अगर पहली बड़ी तब्दीली की बात करें तो वो नाम आता है पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आगा सलमान, उसामा मीर और शाहिन शाह आफरीदी को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में रेस्ट दिए जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए के मुताबिक उनकी जगह जिन चार खिलाड़ियों को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है उनमें पहला नाम आता है यंग विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद आरिफ, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज साउद शकील, इसके अलावा मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि इनके अलावा बाकी पाकिस्तान की वही सेम टीम मैदान में उतरेगी जो पहले और दूसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला कर चुकी है। क्योंकि तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चार बड़ी तब्दीलियां। दो तीन चार में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।